हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं आईएएस 800 2007 के इम्पोर्टेंट क्लॉज को डिटेल में डिस्कस करूंगा कंसेप्ट के साथ। बेसिकली ये सीरीज का पार्ट 5 वीडियो है। सो आईएएस 800 के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं सीरीज में कवर करने की कोशिश करूंगा। सो इस वीडियो में बेसिकली जो हम कवर करने वाले हैं, दैट इज जो हमारी स्टील बिल्डिंग्स हैं, वहां पर हमारी जो आईएएस 800 ने जो डिफ्लेक्शन की लिमिट्स लेट डाउन की हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आईएएस इस वीडियो का लेक्चर है पीडीएफ फॉर्म में, वो आपको आईएएस गेटवेज का जो एंड्रॉइड ऐप है वहां पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको फ्रीली मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा क्लॉज डील करता है दैट इज 5.6.1। सो डिफ्लेक्शन इज बेसिकली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट का मतलब ये है कि जिस इंटेंडेड यूज के लिए आपने बिल्डिंग को डिजाइन किया है ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ, वो फोरफिट नहीं होना चाहिए, वो इम्पेयर नहीं होना चाहिए। तो कोड ये कहता है कि जो डिफ्लेक्शन है वो सर्विसिबिलिटी जो लोड्स है, सर्विसिबिलिटी लोड्स इसलिए कह रहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ ऑफ बिल्डिंग जो लोड्स बिल्डिंग पर आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए सर्विस बोल रहा है। तो इसकी वजह से हम जो लोड फैक्टर या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं वो वन लेते हैं जब हम सर्विसिबिलिटी के लिए या डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं अपनी बिल्डिंग में। तो उन लोड्स की वजह से हमारा जो बिल्डिंग या उसका कोई कंपोनेंट है वो इसकी स्ट्रेंथ और उसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसकी जो फिनिशिंग्स है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। जो डिफ्लेक्शंस हैं, सो मोस्टली हम एडवर्स कंडीशन के लिए कैलकुलेट करते हैं, बट वो कंडीशंस हमारी रियलिस्टिक होनी चाहिए। एंड जो डिफ्लेक्शंस हमारे जो कैलकुलेट किए गए हैं, दे आर बीइंग कैलकुलेटेड बाय इलास्टिक एनालिसिस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इलास्टिक एनालिसिस से हम यूजिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वन का यूज करेंगे। सो हमारा आईएएस 800 डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर्स के लिए, डिफरेंट सिस्टम्स के लिए एक डिफ्लेक्शन लिमिट सेट करता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। जो आपकी वैल्यूज यहां पर लेट डाउन है, दे कैन बी एक्चुअल में इनसे ज्यादा या कम भी आप परमिट कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आप किस टाइप का एक्चुअल में मटेरियल यूज कर रहे हो और स्ट्रक्चर का इंटेंडेड यूज क्या है, जो कि क्लाइंट आपको बताएगा, ठीक है। तो यहां पर जो टेबल 6 में हमारी जो रिकमेंडेड लिमिट्स हैं, उसमें जो मेन पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारी बिल्डिंग्स में क्या वैल्यूज रहेंगी, तो सबसे पहली जो हमारी टाइप ऑफ बिल्डिंग है वो क्या है, मतलब स्टील बिल्डिंग है बट बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन क्या है। तो कोड ने, आईएएस 800 ने लिमिट स्पेसिफाई करने में दो कैटेगरीज रखी। तो पहली कैटेगरी है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, अगर दूसरी अदर देन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इट मे बी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, तो अदर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ये दो कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया अपनी बिल्डिंग्स को। अब इन बिल्डिंग्स पे जो लोड है वो किस टाइप का आ रहा है, तो उसके पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है, ठीक है, बिकॉज हर एक स्ट्रक्चरल डिफरेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उसमें कुछ हमारे प्राइमरी एलिमेंट्स होंगे और कुछ हमारे सेकेंडरी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो बेसिकली लोड ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप का है, किसके लिए हम लोड निकाल रहे हैं, दूसरा कि आपका जो लोड है वो कौन सा है, किस टाइप का लोड है, लाइव लोड है, डेड लोड है, आपका क्रेन का लोड है या विंड का लोड है। तो इन लोड्स के टाइप के बेसिस पर हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के बेसिस पर इंडस्ट्रियल या अदर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए डिफ्लेक्शन लेट डाउन करेंगे, ठीक है। तो जनरली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हमारी क्या होती है, दीज आर लो राइज, जनरली हमारी लो राइज बिल्डिंग्स होती हैं, लो राइज बिल्डिंग्स की कैटेगरी होती हैं, जो कि आप देखोगे थर्मल पावर प्लांट्स में यूज करने होती हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, आपकी स्टील प्लांट्स हैं, वहां पर इस तरह की स्टील बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी अगर यू हैव बीन टू साइट, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हैं उनके ऊपर आप कवरिंग कैसे दे रहे हो, बिकॉज बिल्डिंग को आपको कवर करना होगा, तो कवरिंग के लिए आप जो शीटिंग यूज करते हो उसको टेक्निकल टर्म्स में हम बोलते हैं क्लैडिंग, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो, क्लैडिंग अगर सिंपली आप बोलो तो इट्स अ कवरिंग,
कवरिंग टू स्टील बिल्डिंग, सिंपल अगर हम समझे तो कवरिंग टू स्टील बिल्डिंग इज द क्लैडिंग, जो शीटिंग है बेसिकली। तो डिफरेंट टाइप्स की क्लैडिंग है, तो कोड ने प्राइमरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इलास्टिक क्लैडिंग और ब्रिटल क्लैडिंग। ठीक है, तो इलास्टिक क्लैडिंग और ब्रिटल क्लैडिंग बेसिकली जो डक्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है उससे क्लासिफाई किया, जैसे ब्रिटल में आपकी जो मेसनरी क्लैडिंग है, ठीक है, अगर उस तरह के कुछ यूज किया विच इज अ ब्रिटल मटेरियल लाइक सम काइंड ऑफ एस्बेस्टस सीमेंट जो शीट्स हैं, अगर वो यूज कर रहे हो आप कवरिंग में तो इट मे बी क्लासिफाइड एज ब्रिटल। इलास्टिक में आपकी जैसे एल्युमिनियम शीट हो गई, एल्युमिनियम आप यूज कर रहे हो, एल्युमिनियम या स्टील की कोई शीट यूज कर रहे हो या जीआई शीट यूज कर रहे हो, दीज कैन बी कैटेगराइज एज इलास्टिक क्लैडिंग, इलास्टिक कवरिंग टू दी शीटिंग। अगर आप डिफरेंट, तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को समझने के लिए बिकॉज हम डिफ्लेक्शंस लेट डाउन कर रहे हैं, तो डिफरेंट मेंबर्स आप देख पा रहे हो कि ये हमारे जो ब्लैक में ये पर्लिंस हैं, ये आपकी देख रहे हैं ना प्रोफाइल स्टील रूफ क्लैडिंग, यहाँ पे ये जो वाली शीट यूज की हुई है दिस इज अ बेसिकली प्रोफाइल मेटल क्लैडिंग। ठीक है, तो ये कवरिंग आपने इस तरह का देखा होगा, और ये जो वॉल पे आप कवर कर रहे हो तो दिस इज अ वॉल क्लैडिंग। ठीक है, ये रूफ पे कर रहे हो इसलिए इसे रूफ क्लैडिंग बोलते हैं, एंड जनरली वो जो क्लैडिंग शीटिंग के ऊपर है इसके नीचे हम एक इंसुलेशन बोर्ड लगाते हैं, देन ये पर्लिन्स हमारा, अगर हमारा चैनल सेक्शन है तो पर्लिन सपोर्टेड है ये टॉप कॉर्ड पे। ठीक है, टॉप कॉर्ड हमारा जो है इट कैन बी ये वाला जो मेंबर है आपका, दिस इज बेसिकली राफ्टर। ठीक है, ये हमारी जो ब्रेसिंग्स है ये रूफ की ब्रेसिंग्स है। ठीक है, ये आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग्स हो गई, यहां पे जो ये मेंबर्स आपको दिख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल इट मे बी क्लासिफाइड एज वॉल गर्ड, बेसिकली ये क्या कर रहे हैं जो रूफ विंड लोड्स आ रहे हैं वॉल पे उनको प्राइमरी फ्रेम में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो गर्ड एक हमारा एक सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, पर्लिन्स भी हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, राफ्टर इज बेसिकली द प्राइमरी लोड बियरिंग मेंबर, तो ये वाला जो मेंबर है दिस इज अ राफ्टर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, तो हर एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए हमारा डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन में डिफरेंट डिफ्लेक्शन लिमिट्स परमिटेड है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसकी ये अंडरस्टैंडिंग होने के बाद अगर हम चलते हैं जो हमारे कोड ने लेट डाउन किया है, ये भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइलिंग है। मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि सपोज दिस इज अ प्रोफाइल शीट, सिंपल प्रोफाइल शीट। ठीक है, तो इसके लिए हमारा अलग परमिटेड डिफ्लेक्शन होगा। जब आप इस तरह की यूज करोगे क्लैडिंग, इसमें आपका ये प्लास्टर्ड, इसको बोलते हैं प्लास्टर्ड क्लैडिंग। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल फील्ड है विच इज बेसिकली ऑफ सीमेंट, तो ये प्लास्टर्ड मटेरियल आप यूज कर रहे हो विथ अलॉन्ग विथ प्रोफाइल शीट। यहां पर अगर आपका किसी भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में गैंट्री यूज हो रहा है जहां पे बेसिकली क्रेन ऑपरेट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन वो क्रेन पे जो लोड है वो कितना आ रहा है, कितना मेट्रिक टन वो लोड कैरी कर सकता है शिफ्ट करने के लिए, मैनुअल ऑपरेशन है या इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन है, तो दीज आर सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये हमारे ये दिस इज रूफ क्लैडिंग जो आपको हल्का सा ऑरेंजिश कलर में दिख रही है। ठीक है, ये वॉल क्लैडिंग है। तो अब आ जाते हैं जो हमारी टेबल सिक्स है जिसमें डिफ्लेक्शन लिमिट्स परमिट क्या की गई है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि बिल्डिंग हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, लोड हमारा क्या है डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हमारे दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताया कि लोड्स क्या है, तो हमारे लोड्स जो हैं और किस टाइप का मेंबर है, जैसे मेंबर हो गया पर्लिंस हो गया, सिंपल स्पैन हो गया, कैंटिलीवर स्पैन हो गया, राफ्टर जो सपोर्ट कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीटिंग वो हो गया। अब ये तीन कंडीशन जो है ये क्रेन के लिए है जब हमारी गैंट्री इंस्टॉल्ड है, तो मेंबर हमारा गैंट्री है और जो उस पर लोड आ रहा है वो किस टाइप का है, मैनुअल ऑपरेशन का लोड है या इलेक्ट्रिक ऑपरेशन से 50 टन तक का लोड है या 50 टन से ऊपर का लोड है गैंट्री पे। ठीक है, तो ये हमारा मेंबर हो गया, ये लोड हो गया और किस टाइप का लोड है, दीज आर द वर्टिकल लोड्स। लेटरल लोड्स के लिए हमारी, जब आप लेटरल लोड्स की बात करोगे तो वर्टिकल लोड्स में हमारा जो रेफरेंस होगा वो स्पैन होगा। ठीक है, बिकॉज लोड्स हमारे वर्टिकल लग रहे हैं। लेटरल लोड्स के केस में हमारे लेटरल लोड्स ऐसे होंगे तो हमारी जो बिल्डिंग की हाइट है, जो मेंबर की हाइट है उसके टर्म्स में आप डिफ्लेक्शन लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू विंड लोड्स, तो लेटरल लोड्स की वजह से हमारा डिफ्लेक्शन हाइट के टर्म्स में लिखा जाएगा, वर्टिकल लोड्स के रेफरेंस में जो डिफ्लेक्शन है वो स्पैन के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के टर्म्स में देखें तो अगर हमारा लाइव लोड या विंड लोड वर्टिकली एक्ट कर रहा है पर्लिंस या गर्ट पे, तो
उसके ऊपर हमारी क्लैडिंग सपोर्टेड है, ठीक है, क्योंकि क्लैडिंग हर मेंबर पे सपोर्टेड है जितने भी हमारे जिसपे वर्टिकल लोड एक्ट कर रहा है। तो जो कवरिंग है अगर इलास्टिक कवरिंग है तो वहां पे हम ज्यादा डिफ्लेक्शन परमिट करेंगे। तो स्पैन बाई 150 इज द परमिटेड डिफ्लेक्शन। तो स्पैन बेसिकली क्या हुआ, जो मैंने आपको यहां पर ट्रस दिखाया था, दिस इज द बेसिकली स्पैन, ठीक है, दिस इज द स्पैन, ठीक है। तो ये हमारा स्पैन के टर्म्स में हमने डिफ्लेक्शन लेट डाउन किया। अगर ब्रिटल क्लैडिंग है तो इट विल बी डिवाइडेड बाई 180 इंस्टेड ऑफ 150। अगर कोई सिंपल स्पैन है हमारा बिल्डिंग के अंदर स्टील मेंबर है तो इलास्टिक क्लैडिंग है तो 240 से डिवाइड करेंगे स्पैन को, ब्रिटल क्लैडिंग है तो 300 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैंटिलीवर स्पैन है तो डिफ्लेक्शन हमारा और ज्यादा परमिटेड होगा, इलास्टिक क्लैडिंग के केस में स्पैन बाई 120 होगा, ब्रिटल क्लैडिंग में स्पैन बाई 150 होगा। अगर कोई राफ्टर सपोर्ट कर रहा है कि प्लास्टर्ड शीटिंग है जो मैंने ऊपर बताई, तो प्लास्टर्ड शीटिंग में आपका डिफ्लेक्शन कम परमिटेड होगा बिकॉज इट विल डिफ्लेक्ट, वो कम डिफ्लेक्ट होगी, तो स्पैन बाई 240 होगा। अगर प्रोफाइल मेटल शीटिंग है केवल तो स्पैन बाई 180 होगा बिकॉज इट विल बी मोर लाइक इलास्टिक क्लैडिंग, तो वहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा परमिटेड होगा। जब क्रेन लोड के रेस्पेक्ट में आते हैं तो मैनुअल ऑपरेशन में क्रेन जो सपोर्ट कर रही है गैंट्री, उस पर स्पैन बाई 500 का डिफ्लेक्शन परमिटेड है। अगर इलेक्ट्रिक ऑपरेशन अप टू 50 टन तक कैपेसिटी है क्रेन की तो स्पैन बाई 750। अगर उससे ज्यादा हमारा क्रेन ऑपरेशन इलेक्ट्रिक ऑपरेशन से ज्यादा कैरी लोड कर रहा है तो इट इज स्पैन बाई 1000। जब लेटरल लोड्स आ रहे हैं तो लेटरल लोड्स में हमारा जो मेंबर होगा वो कॉलम होगा या गैंट्री का लेटरल पोर्शन होगा, तो नो क्रेन्स, अगर क्रेन्स नहीं है, ठीक है, स्टील बिल्डिंग में क्रेन्स नहीं है तो जो कॉलम पे परमिटेड डिफ्लेक्शन है, इलास्टिक क्लैडिंग अगर सपोर्टेड है तो हाइट बाई 150 है, मैसनरी या ब्रिटल क्लैडिंग, यहां देख रहे हैं मैसनरी इज बेसिकली अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिटल क्लैडिंग, तो वहां पे हमारा कम डिफ्लेक्शन परमिटेड होगा, हाइट बाई 240 हो जाएगा। क्रेन ऑब्सोल्यूट क्रेन के लिए स्पैन बाई 400 होगा। क्रेन लोड और विंड लोड दोनों एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दीज आर द जो सर्ज लोड लेटर लोड आ रहा है वो है क्रेन का लोड, यहां पे लेटर लोड की बात हो रही है। तो गैंट्री में तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द रेल सपोर्टिंग क्रेन, जो क्रेन को सपोर्ट कर रही है रेल्स उसके बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो 10 mm अलाउड है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब क्रेन लोड लेटरल लोड और विंड लोड एक साथ एक्ट कर रहे हैं क्रेन का गैंट्री पर, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो अलाउड है रेल्स के बीच में जो गैंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं वो 10 mm अलाउड है, ठीक है। सिमिलरली अगर कॉलम फ्रेम पे क्या लिमिटेड है, गैंट्री के लिए इलास्टिक क्लैडिंग होगी तो हाइट बाई 200 होगा और ब्रिटल क्लैडिंग होगी तो हाइट बाई 400 होगा, ठीक है। तो अदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए हमारा अगर वर्टिकल लोड है, लाइव लोड है दोनों, तो फ्लोर्स और रूफ के लिए जो एलिमेंट्स हमारे क्रैकिंग में सब्सेप्टेबल नहीं है, मींस अगर हमारी क्रैकिंग बहुत आसानी से और इजिली हो जा रही, जल्दी हो जा रही है, तो ऐसे एलिमेंट्स पे हम कम डिफ्लेक्शन परमिट करेंगे, दैट इज स्पैन बाई 300। जहां पे क्रैकिंग हम परमिट कर रहे हैं वहां पे जो ससेप्टेबल क्रैकिंग के ससेप्टेबल है वहां पे कम करेंगे तो स्पैन बाई 360 हो जाएगा, जो ससेप्टेबल नहीं है वो स्पैन बाई 300 हो जाएगा। कैंटिलीवर के केस में ये हमारा हाफ हो जाएगा, 300 का 150 हो जाएगा और 360 का 180 हो जाएगा, ठीक है। और लेटरल लोड्स हमारे केवल क्या होंगे अदर बिल्डिंग्स में, वी विल कंसीडर, बिकॉज क्रेन लोड्स वहां पे नहीं होंगे तो वी विल बी कंसीडरिंग ओनली विंड लोड, ठीक है। तो विंड लोड के केस में बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग की इलास्टिक या ब्रिटल क्लैडिंग होगी तो हाइट बाई 300 और हाइट बाई 500 होगा। जो इंटर स्टोरी ड्रिफ्ट है लेटरल लोड्स में, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज में, उसमें जब अंडर द एक्शन ऑफ लेटरल लोड्स जो स्टोरी में ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट इज बेसिकली दिस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ लेटरल लोड्स, तो वहां पे स्टोरी की जो हाइट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टोरी की हाइट है डिवाइडेड बाय 300 विल बी द परमिटेड डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दीज वर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लॉज जो आपको पता होना चाहिए, इस पे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप अंडरस्टैंडिंग के साथ एक बार कुछ आप लॉजिक से डेवलप करके अगर ये बना लोगे तो विल बी एबल टू अप्रिशिएट। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, जैसे ये वाला स्पैन था लाइव लोड और लाइव लोड, सिंपल स्पैन और कैंटिलीवर स्पैन, इसमें आप देख रहे हो कि जो इलास्टिक क्लैडिंग के लिए स्पैन बाई 240 था, इसका आपने डबल कर दिया, कैंटिलीवर स्पैन में ज्यादा डिफ्लेक्शन परमिटेड है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया, 300 से मल्टीप्लाई किया, स्पैन बाई 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह आप कोरिलेशन एस्टैब्लिश करके इन टेबल्स को याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए और बीच बीच में रिविजन करते रहिए, इट विल बी हेल्पफुल। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डीलिंग विद सम अदर इंपॉर्टेंट क्लॉज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।